आप लोगों को मेरा प्यार पहुंचे, आदाब अर्ज पहुंचे। देखिए भाई जी, अब तो जानते हैं कि पुराना साल बीत चुका है। पुराना साल के बाद हम करते हैं 2020 के बाद, यह 2020 के जो मामला है, बहुत तरह के चीज हुआ है। अब उसके बारे में चाहे जितनी आप चर्चा करेंगे, शिकायत करेंगे, वो बदलने वाला नहीं है। पुराना साल के बाद नई रखिए रिंग, मई के बाद, मई चुनाव के बाद, यूनि यूनि ऑफिस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर न समझ जाओ कि देश के बागडोर उनके हाथ पे आया है। लेकिन सब कोई जानते भाई जी, अगर एक सरकार आप बनाएंगे लेकिन देश में जब पैसा ही नहीं है तो कर लो क्या। अब ये कैश त्योहार, पुराना साल, नई साल, इंसान अपने अपने ढंग से मना चुके हैं और अनिवार्य महीना शुरू हो चुका है। अब जितना मिनिस्टर्स असम्बली लेडन अमतनारन बद्रेव शलीफ के कम करता सगरो हर एक मजदूर, अब सब लोग को सोचना चाहिए कि अब हम लोग इस अनिवार्य महीना से फिर से शुरू करें, अपने अपने ढंग से, अपने अपने विचारों से। बद्रेव में इंसान काम करे, जहां जहां पर अखरारी से सेक्टर में लोग काम करे, अंतनाराई में काम करे, सिपाही काम करे, दुआने काम करे, इन तमाम लोग को फिर से शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। क्योंकि बहुत से काम करना है भाई जी, बहुत से काम करना है। नकली जब सरकार सिर्फ लोग कह देते लोगों कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वहीं पर इंसान अटल रहता भाई। हां सरकार कब करेंगे कब करेंगे, हर एक को करना चाहिए। अब देखिए, हम किसी मिनिस्टर या किसी असेंबली लेट के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ जिक्र करेंगे जो अखबार ने जिक्र किया है। और अखबार ने क्या लिखी सर, मिनिस्टर्स अमोक्सी एंड वाउडन जेंड स्वक्स्ट स्खाकल इन रखेरिंग संतोखी ब्रंस्वैक। यह अखबार ने लिखी सर, यह मैं नहीं कहता हूं, अखबार ने लिखी सर। मतलब ये भाई जी कि हर एक को मौका मिलना चाहिए। अगर अब तक ये लोग कुछ नहीं किया है 6 महीना के भीतर में, तो अब ये लोग को मौका होना चाहिए दिखाने के लिए। अब दिखाने के लिए मौसी जब अब मौका आप लोग को मिल रहा है, अबे तो खाली 6 ही महीना 4 राउंड था, अब हम लोग का देखते हैं फिनाले में क्या होने को जा रहा है। अब लोग को मेहनत करना चाहिए अपने अपने विचार से, ताकि हर एक मिनिस्टर्स के लिए, हर एक असेंबली के लिए, हर एक आमतनार के लिए, हर एक खेतियर के लिए, हर एक आयुष्मान बेचने वाला, हर एक इंसान जो काम करेगा उनके लिए तारीफ होगा। प्यारे भाइयों, हमारे देश के जनता, हम लोग आज बैठ करके पेंट नहीं देंगे, ये मिनिस्टर कितना पेंट, ये मिनिस्टर कितना या वगैरह नहीं। वो लोग को अब मौका है दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि क्या कर सकता ये लोग ने, इनको करना चाहिए भाई जी। हमारे प्यारे जनता, हम आगे चल करके सभी जनता को बताना चाहूंगा कि
धीरे धीरे भी बारिश होने लगा है, हवा चलने लगा है, भवन जलाने लगा है, इन चीजों से आपको भी बच के रहना चाहिए। एक हवाई जहाज बिरलान के एयर स्ट्रेप पर उतरते हुए, दो दिन तीन दिन के बाद है, वो उतरते हुए उसका नीचा का पहिया वगैरह या कुछ सामान टूट गया और वही एयरपोर्ट पर पड़ल है बिनलांत में, एयर स्ट्रेक की बात है। अब देखिए, एक तुष्टल गेम एयर का कल, इन्हें भी बिनलांत को जाना था, उड़ान तो हो चुका था लेकिन इनको लौटना पड़ा। मुश्तरक केरन Dein Hummels, directeur van de vliegtuigmaatschappij, बोले एक गलत फहमी था क्योंकि सरकार लुफ्टवाफ्टदीस्ट TCT फिर से जब बातचीत की, क्योंकि बेनलॉग द COVID-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक ये सब होना चाहिए, तो ये गलत फहमी की वजह से इस हवाई जहाज को आधे रास्ता से लौटना पड़ा। लेकिन जब फिर से बातचीत ठीक से हुआ न, तो इन्हें मौका मिला ये हवाई जहाज को बिनलांत पे जाने के लिए, वहां से जो काम करता करना था उस काम करने के लिए। तो ये मामला खत्म हुआ भाई जी। सब लोग जानते हैं कि गुजरे साल में अनेक अनेक घटना हुआ सूरीनाम के सड़कों पर। हम बात करते हैं फरकेस डोउडन के बारे में। फिर भी एइनन सेइफन तक लोग के मौत हुआ डैम पर, एइनन सेइफन तक लोग के मौत हुआ है सड़क पर। 2019 में, मतलब कि ताख तक लोग के मौत हुआ है। प्यारे जनता, ट्वेई जैसन नई खंतीन में लगभग 80 लोग का मौत हुआ और इस साल में 2020 जो पास हुआ है, ईंधन जेफन तक लोग की मृत्यु हुई है। यह नई साल जो शुरुआत हुआ है, हम बात करने जा रहा हूं ट्वेई जैसन ईंधन ट्वेंट तक के बारे में, तो दो लोग की मौत हो चुका है, दो मृत्यु डैम पर हो चुकी भाई जी। और वैसे तो आप जानते हैं कि दिसंबर महीना के आखिरी घटना जो था वो था मोहम्मद रशीद पीर खान वैख, जहां 3 नौजवान लोग की मौत हुआ, एक आर एजेंट द्वारा या एक घटना के द्वारा। एक 20 साल के नौजवान बगैर रेल विवेश शराब पी करके गाड़ी उल्टा दिया और 3 नौजवान लोग का मौत हो गया। ये दिसंबर महीना की बात है। फिर के बाद में आप जाने कि इस नई साल के अंदर में दो लोग की मौत हो चुका है। सबको होशियार रहना चाहिए भाई जी। इंसान के जिंदगी से खिलवाड़ मत करो भाई जय जनता। मैंने अभी हवाई जहाज के बारे में जिक्र किए, एयरपोर्ट के बारे में जिक्र होता है, और अभी कुछ समय पहले सरकार, हमारा देश का प्रेसिडेंट भी निकेरी में एयरपोर्ट के बारे में जिक्र किया है, निकेरी में एयरपोर्ट बनाने के लिए फ्लिकफ्यार्ड। बहुत जमाना पहले जेईडेई पर एक एयरपोर्ट था, एक एयरपोर्ट यानी फ्लिकफ्यार्ड लोग कहते हैं। लेकिन आप जानते भाई जी, अचानक निकेरी के कितने खेतों में फ्लिकटेक उतरने लगा, वाकनगन में और कितने
जिनका बड़े बड़े खेत है ना, उन लोगों को खेत में प्लेन उतारने के लिए फ्लिक फ्लॉप बनाया गया। इसी कारण से लोग ने उनकी खेतों में उतरने लगा, लेकिन सरकार के फ्लिक फ्लॉप पर नहीं। और धीरे धीरे घास फूस जम गया, मकान मकान सर करके और लटक उटक गया था। अब लोग का यह विचार है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट बड़ी ऊंचाई पहुंच गया है। निकेरी ऊंचा पर है, शर्मक्का भी चला गया ऊंचा पर, वानिका कमवई ने सगरो ऊंचाई पर अपने हैसियत के मुताबिक पहुंच गए हैं, लेकिन कोरोनी वही जहां था वहीं पर वहीं रह गया है। अब लोग ने सोच रहा है कि सरकार को कोरोनी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, अगर कभी फ्लिक फ्लॉप बनाना हो तो कोरोनी में बनाइए, बड़का फ्लिक फ्लॉप कोरोनी में, वहां होटल बनाइए ताकि कोरोनी में भीड़ भड़का के साथ लोग आने और जाने लगे और ऑनट्रेकलिंग भी लाया जाए। कोरोनी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जनता ने कहता है कि एक फ्लिक फ्लॉप भारी वहां होना चाहिए और एक बड़का होटल होना चाहिए कोरोनी में, ताकि कोरोनी के ऑनट्रेकलिंग जो है वहां पर इकोनॉमी जो है इस कारण से सुधर सकता है, टूरिस्ट बन जाएगा और वहां से हर जगह सफर कर सकेंगे। क्योंकि जब एक ब्रोकी बनने वाला है, जब एक ब्रोकी बनेगा क्वारंटाइन रिफ्यूज पर, तो एयरपोर्ट के वहां जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता सफर करेंगे सवारी से। सवारी से हो जाएगा गयाना और गयाना से देश गाड़ियां से आएंगे जाएंगे, तो एयरपोर्ट बना करके फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग हवाई जहाज से नहीं उतरेगा वहां, गाड़ी से तुरंत वो लोग गयाना को जाएंगे या गयाना से सुरीनाम में आएगा। लोग चाहते एयरपोर्ट बनाया जाए कोरोनी में या एयरपोर्ट बनाया जाए कमवैन में, ताकि भीड़ भड़कता के साथ जनता और टूरिस्टन डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करें और वहां से जा करके ये अगले जितने डिस्ट्रिक्टन है वहां पर अपना कारोबार जाकर करें। भाई जी, पता चला अखबार के द्वारा निकेरी टाउट फेफ एक्टिव कोविड निखन तीन बस मैतिंगन तीन था वहां भाई जी तीन, अब पता चला कि वहां पांच हो गया है। ये भाई जी वहां पर जो राधा रामचेतन रायोन को ऑर्डिनेट्रिस राजा एरखे देवेस्ट, ये लेट भी है डिस्ट्रिक्ट से को ऑर्डिनेट्री कोविड नहीं तीन टीम का, वो विचार वो ये संदेशा दिया लोगों के कि निकेरी में जब शुरुआत में तीन लोग बस मैट थी, अब पांच लोग हो चुका है। भैया जी अभी वीकेंड में 300 लगभग 75 लोग को जो टेस्ट किया गया उसमें 100 लोग बस मैटिंग निकला है। 100 परमारीबो के बाद हम करते हैं, परमारीबो वानिका कमवैंद वगैरह सब मिला करके 100 बस मैटिंग 100 बस मैटिंग भाई जी। ए भैया जी आप बताइए सुरीनाम के लोग ये सब कहां से ये सब बस मैटिंग सुरीनाम में आ रहा है, आ गया है और आते हैं। आप कोई तरीका करो इसको रोकने के लिए, ये बहुत खतरा बीमारी है बस मैटिंग, जिन्हें रोकना
इंसान के हाथ में है। 124 लोग का मृत्यु हो चुकी है इसी कोरोना वायरस के द्वारा। दुख की यह बात भैया जी, बड़ी दुख की बात है। 29 साल का आदमी नहीं खरीद रखिया रहमान, ये नेशनल असेंबली के मकान के आसपास में यह आदमी कहा कि इन्हें किसी ने छुरी भोंक दिया है। एम्बुलेंस के जरिए इन्हें उठा करके स्पोर्ट एशंदे हेल्प को पहुंचाई गई है। अब यह कहता कि एक होटल के आसपास में यह था, एक होटल के आसपास में था, वहां पर लोग इन्हें पकड़ करके इनके लूट लिया है। क्रिमिनल बरोफ्ट, ये शराब पिए हुए थे, नशा में था। पुलिस एम्बुलेंस के जरिए इस आदमी को स्पोर्ट एशंदे हेल्प को पहुंचाई गई है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, आकिम बोतो एक चलाक आदमी के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं सर्खियो आकिम बोतो के बारे में। कुछ समय असेंबली इलेक्ट, कुछ समय मिनिस्टर, नतीन कहलबरन का डायरेक्टर फन ग्रसाल को एनफे, ये अपसी पार्लियामेंट में ओपोजिशन में पहुंचा। अब जब से एनडीपी ओपोजिशन में है, दिसंबर तक ये ओपोजिशन में होकर के अब एक चिट्ठी लिख दिया अपने पार्टी के लिए और उस पार्टी से अपना इस्तीफा ले लिया है। ही बदंत सर्खियो आकिम बोतो एक चिट्ठी के द्वारा बोले, हमारी विचार से बहुत ठीक रूप में एनालिसिस बनाने के बाद में जब हमें हमारे सामने जब कुछ रास्ता नहीं था तो मैंने चिट्ठी लिख दिया कि मैं असेंबली की कुर्सी और लेटमास का अपना उस पार्टी का हम लौटा रहे हैं। और इतना बात ना यार न सोचियो कि हम कोई पार्टी में जा रहे हैं, हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस पॉलिटिक पार्टी से इस्तीफा ले लिया है। देखिए भाई जी, पॉलिटिक के अंदर में जो लोग घुस करके देख चुका है, हमेशा वो लोग के एक खबर है कि हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे। कौन जरूरी है हमें कोई पार्टी में जाने के लिए? लेकिन समय जब आ जाता है काकी, समय जब आ जाता है तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मुझे मालूम कि बड़े बड़े चलाक चलाक लोग जिनका नाम बड़ी ऊंचाई पर लिखा गया है, वो भी आखिरी समय पर भी झुक गया है अपने खुद अपनी फैसला के लिए, अपने फैसला के लिए झुक गया है। हम आपको याद दिलाएंगे, हम याद दिलाएंगे उन आदमियों के बारे में जो विद्वान इंसान के बारे में। अच्छा, मैं एक छोटा फोर बेल्ट आपको देने जा रहा हूं, एक इंसान जिसे मुझसे बहुत माफकत भी था और हमारे जितने संघ साथियों सबसे माफकत थे, दोस्ती, और उनकी मृत्यु तक भी उनके परिवार से सबसे उतने दोस्ती रह गया था। हम बात करने जा रहा हूं वो महान इंसान जिसका नाम शोर्स हिंदोरी। भाई जी,
आप तो जानते कि वो कौन आदमी था फी हकीका, और सब कोई जानते हैं कि उनके जरिए देश भी आजाद हुआ। तब तक जो फी हकी के कुर्सी पर रहा ना, सब कोई जानते थे कि सही बात रहा, सही काम किया, और यानी इंसान जो है ना, इंसान इंसान को झुकाना भी। जिस तरह से आरोन आरोन के बात हम करीला, ये आदमी शौशेंदोरी को भी झुका दिया था, क्योंकि एनपी का त्वेई में शौशेंदोरी फी हापी के कुर्सी से हट करके हापी पे के कुर्सी ले लिया, और हापी पे के कैंडिडेट था, और चुना करके पार्लियामेंट में भी गया हापी पे के, और शौशेंदोरी को दो मिनिस्टर मिला था एनपी का त्वेई में। एक रहा भैया बद्री सिंह यूस्टिसी का मिनिस्टर, और एक रहा पन्ना लाल परमेश्वर आर्मेड का मिनिस्टर, शौशेंदोरी हापी पी। मतलब कि इंसान बड़ा कुर्सी पर रख करके कभी कभी झुक जाता है। अब जैसे जैसे कि हम फ्रैंक एसेट के बारे में नहीं कहेंगे, हम बात करेंगे और एक्को भाइयों के लिए शुल्सेटनी के बारे में, नामी एनपीएसर। लेकिन एक समय आया कि पीएनपी बनाया, वो पार्टी छोड़कर के पीएनपी चला गया, यूसरेंस के साथ और कितने भाइयों के साथ, फ्रैंक एसेट भी आए थे, बाद में फ्रैंक एसेट लौट गया। तो हम देखाएगा कि इंसान कैसे झुक जाना झुक जाता है, वो समय के बात है। तो भाई जी, आज अकीम वो तो कहते कि वो कोई पार्टी में नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है भाई जी, इतिहास गवाह है कि इंसान को झुकना पड़ता है जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता है। आज अकीम वो तो ना है, एनडीपी के कुर्सी छोड़ दिया, लेकिन प्यारे भाइयों मिसिकाबा कहां गया है, वो तो भी एनडीपी कुर्सी छोड़ दिया। और ऐसे कितने भैया लोग जो आज जो एनडीपी में भी है, वो तो एक जमाना कोई पार्टी में रहा होगा। तो ये सब बात जो लोग कहते कि हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, तो वो अपने लिए कहा है, लेकिन जनता के लिए, जनता खुद जानते हैं कि सरनाम के पॉलिटिक कैसे करता है, लोग ने कैसे करना चाहता है। भाई जी, हमारे सरनाम के जनता, हर एक इंसान का हक है जहां वो जाना चाहे, जो पार्टी में और जब उतरना चाहे उतर सकते हैं। अब आज देखो बेलफोर भी कितनी कटास करता है खुद अपने पार्टी अपने रखेरे पर। बेलफोर है आबब के आदमी, लेकिन वो आदमी ढेर चीज से सहमत नहीं है, आप खुद देखत हो, उसका वजह भी आप जानते होंगे। उसे हमसे और किसी चीज से हम लोग के जरूरी नहीं बहुत बात करने के लिए, वो तो आप जानते हैं भाई जी। ए भैया, जनता को बताना जरूरी है, हम लोग जनता को बार बार समझाते, ए जनता, ये जो लोग ब्रश कटर से या जो मशीन से या जो काम लोग करते खेतों में, एक बात याद रखियो, पुराना बांटी, पुराना ब्लेड, पुराना ये, पुराना वो, उसमें ब्राजीलियन बरैया घर बना करके रहता, इतना बात याद रखियो। ब्राजीलियन से बेयन कल दो आदमी के ऊपर हमला किया भाई जी, इन दोनों को मेडिस बहांदलिंग के लिए उठा करके पहुंचाया गया है। ये बात करने जा रहा हूं
and terrain on the Sumatra Bay. जब बरैया इन लोग पर हमला किया भाई जी, ये लोग मशीन छोड़ छोड़ करके, मशीन चलता है छोड़ छोड़ करके भगा भाई जी, लेकिन हमला कर चुका इन दोनों के ऊपर बरान पे राग करके, तो सब समस्या को हल किया, लेकिन ये दोनों को स्पुत ऐसा को पहुंचाई गई है। वयंबो व्याक के तरफ एक आदमी जिसके नाम पाइन ऑयल नहीं, एक आदमी मेयर बकैन स्टार पाइन ऑयल, हाँ पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, अरे हाँ पाइन ऑयल। तो एक दुकान के सामने किसी ने इनको धक्का मार दिया बेचारा के, पाइन ऑयल कितना चोट लगा वयंबो व्याक के तरफ, बस सिपाही पहुंचा, सिपाही एम्बुलेंस को तार किया, एम्बुलेंस पाइनॉल को उठा करके स्पोर्ट एशन हेल्प को ले गया है, और जो धक्का लगाया है जो गाड़ी से धक्का मार दिया वो तो भाग गया है। द फुट हैंगर रैक्ड द वाउंड एंड फील ऑफ द वेक, समझे ना, ऐसे ऐसे बात है भैया। एक इंस्पेक्टर फॉर पुलिस थी, वही समय वहां से गुजर रहा था, देखा बस शुरुआत किया पुलिस के बाल करने के लिए, और ऐसे भी एम्बुलेंस को तार किया गया। तो चले गए, तो भाई जी एक एक पुलिस रिक्रूट आ रही ने किया है, एक सिपाही पुलिस रिक्रूट नीट एन हेड बजेट फॉर अनरेबियस, उनके पास रेबियस ना, उनके पास रेबियस ना भैया जी, ये आर रेडिंग हुआ है क्रॉसिंग फ्रॉम द खमीनर लांसवेग एंड द वाल्डेस्ट्रात, तीन तीन मोटर गाड़ी अपने में भिर गया भैया जी, तीन तीन मोटर गाड़ी और छिचरा गया तीनों गाड़ी। द रिक्रूट लिप एंड फॉर वॉन्डिंग ऑन हिज होप्स ऑफ एंड सो दैट एनी खन खली खन है, ये भगा इस हेल्प को, समझेगा जैसे रिक्रूट, सुनिए ठीक से काका, जैसे रिक्रूट इज द यंगर ब्रोर फन एन होफ्ट बस्ती स्लेट फन द पुलिस बॉन्ड न कोई रिश्ता तो है, कोई न कोई परिवार है पुलिस बॉन्ड के अलम से न। और हम आपको बताएंगे एक औरत ने नालिश की जाकर के फौखसार जो अनफैमिली लेट फन हार फ्रेंड है खतरा था ओ तो इन भ्रांत स्टीक, आप सुनिए तमाशा का की नौरतिया का फ्रेंड का एक परिवार जलन के कारण से इनकी गाड़ी के जो व्हील जो डॉप है टैंक डॉप तो टैंक डॉप को निकाल करके और अनस्टेकर मार करके उसमें फेंक रहा था। लोग ने देखा भैल मारपीट बप्पा, मारपीट भैल भैया, बच गया भैया, बच गया कि गाड़ी अनफ्लॉप नहीं हुआ। अब औरतिया जा करके नालिश की है ना, नालिश की भैया जी, अब देखो क्या क्या होने को जा रहा है। यहां पर एक ऐलान है, एक मोटर गाड़ी जोहान्सबर्ग रास्ता में ये कोलोनेशन वैक से आ रहा था, बाकी स्टीर भैया कोना पन्ना संहार पा इसका कि हे फलोर्ड मख्त ओफर हेड स्टीर, और ये गाड़ी एगो ट्रेन पर जाकर के उलट गया, ट्रेन पर जाकर के गाड़ी उलट गया ना। तो समझ जाओ हमारा देश में भैया यही सब समस्या रोजाना आप सुनेंगे, यही सब समस्या, ये हुआ वो हुआ ना। ये तेल के मामला जो है यो केस के गयाना के केस, हमारा केस में भी तेल मिलल है, लेकिन गयाना में से तेल निकाला जाता है इस वक्त हरियाणा फॉर दिन 115 मिलियन
Amerikaanse dollar minder dan laagste verwachting olieverkoop. Na? मतलब गयाना में तेल निकले बाप, समुंदर से तेल निकल रहा है और वहां पर भी गयाना के सरकार 5.20 डॉलर गयानीस लोग को दिया है, आमतनार को, पेंशनियर जन को, बुजुर्ग को, कमकर्ता लोग को 25,000 वहां का प्रेसिडेंट गयाना का, समझे ना, सब गयानीस लोग को पैसा दिया है COVID-19 के सिलसिले में। अब लोग ने शिकायत किया है कांवर फांको फांदल के बारे में, बोले देर द फरहूकिंग बिन इन यार काका एफ एन नाम्स खुद क्योरिंग Van een stichting is van 100 opgeschroefd naar 200. Toch? Op je verhoging, hoe heet prijsverhoging? KKF, ke baare mein baat kari la. Samjhe na bhai ji? To dekho, sagro to bhaiya prijsverhoging hai. दुकान में प्राइस फॉर होकिंग, सगरो प्राइस फॉर होकिंग है, कहां पर प्राइस फॉर होकिंग ना है। अब आप लोग जानते हैं कि बगैर फॉर होकिंग से कोई बदरेफ को आप जिंदा रख नहीं पाएंगे। ए भैया जी, सूरीनाम के जनता, आबोब का एक आदमी बर्दो पैसा बांट रहे थे कुछ समय भाई, एक टॉपर है इस पॉलिटिक पार्टी का, रोनी ब्रिंसवेक, उन्हें ब्लैक ऑफिसर के दर्जा दे दिया है रीजनल डीस में और वहां उन्हें स्पोर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट तो बर्दो वहां स्पोर्ट करेगा, लेकिन बोले हमारे पास इतना पैसा है वो न जाने क्यों पैसा कहां खर्चा करे। तो जो सरकार पैसा देगा 12,000 एक महीना में, ये असियाना को बांटेगा, सोशल इंस्टॉलिंग को बांटेगा, ऐसे ऐसे जगह बांट देगा। तो बोर्डो ने तैयार हो चुका है स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट पूरा तौर पर संभालने के लिए और ये स्पोर्ट के काम के लिए, यानी कि इन्हें ब्लैक ऑफिसर के दर्जा दिया गया है। भाई जी, केपनपुर के बारे में बड़ी हल्ला दंगा मचल है, केपनपुर बप्पा, आप शायद जानते होंगे डॉक्शन क्लब खुद अपना केपनपुर या डॉक्शनपुर वगैरह बेल्टलान से इंपोर्टेड किया है, अपने ग्राहक के लिए देंगे, ये डॉक्टर क्लब की बात है। लेकिन सरकार जो एलफेफेई को चाहिए फूर के बंदोबस्त करने के लिए, जो कहते कि ये फूर के मामला भी हल हो चुका है, ब्रेक राइस के द्वारा, ब्रेक राइस के मिलावट से ये कैप फूर तैयार हुआ है निकेरी में और लोग को ये कैप फूर अब मिलेगा। कितना में मिलेगा भैया वो जाने, वो लोग के काम जाने, लेकिन जो मुर्गे पोसना चाहते भाई जी, पहले बड़ी ध्यान से सुनियो, जब फूर ना है तो शुरुआत ना करियो, फूर हो जाएगा तब काम शुरू करो। चलेंगे भाई जी, आज अखबार के कुछ खबर में बात यह कि आउट मिनिस्टर बैटरसन SBB का डायरेक्टर के कुर्सी इनको दिया गया है। बैटरसन ये मिनिस्टर था कोई जमाना और अब इन्हें
डायरेक्टर के कुर्सी दिया गया है। देखो का हुआ है देश के अंदर में, मिनिस्टर्स एंड असेंबली लीडर मुख खेन खेफ्टन आन नीमन। अखबार ने आज जिक्र की है मिनिस्टर्स एंड असेंबली लीडर मुख खेन खेफ्टन आन नीमन। देखो भाई जी ये सही बात है, ये तो अखबार ने लिख दिया है, लेकिन कानून में भी होना चाहिए, एक वैध होना चाहिए। जब तक वैध न रहेगा भाई जी, आप कोई असेंबली लिट या मिनिस्टर्स कोई को आप रुकावट नहीं कर पाएंगे कि वो घूस न खाए यानी चुकू न ले। एक वैध बनावे चाहिए, और जो वैध रहेगा, क्योंकि जब ये लोग नेशनल असेंबली में भर्ती होते हैं या मिनिस्टर, तो वो लोग को कसम खाना पड़ता है, लेकिन कसम जो खाइयो कि हाँ हम कसम खाएगा कि हम घूस न लेबे और हम सच्चाई रूप में काम करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब बात जनता को दिखावे वाला बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जो जमाना में पुराना अमतनार देश में लिया जाया करते थे, मान लिया जाए कि आप जिस टीसी में आपको देश में लिया गया कि आप एक तारीख के शुरू कर ले, जैसे एक तारीख को आप पहुंच लो वहां, सवेरे 7 बजे पहुंच गए दो, तो वहां 8 बजे एक तार आवे है बेनवा से साके से। वो जमाना था भैया अक्रूम, भैया ओफ, भैया रानशौर, ये सब वहां पर काम करते थे उन दिनों में, तो वहां से तार आवे है। तो जो देश में आप जाते हैं वहां के डायरेक्टर आपको बुलावे भैया कौन क्यों ईफा, तो तार फिर तुम्हें बुलावे जो मौका दे, तो डायरेक्टर बोले भैया यू वर्क का फेल इसी तेज यू बैन इन दिस खनोवर फन विस्टिची एंड पोलिची एंड एक नो दो आउट बेन द्री दाग हम अब बेनवासे साके अनवेश करते विले सैन वो रे दुन अफलेख फन ईट। समझे भैया, हर एक अमतनार को कसम खाना पड़ता था, हर एक अमतनार या स्कूल मास्टर या बोर्ड या जॉन एक बार का बोले असिस्टेंट वगैरह या जैसे, तो उस जमाना के बात हम करी ला भाई जी ना, तो वहां कसम खाना पड़ता था, समझे ना। तो कसम खाने के बाद डायरेक्टर आप एक प्रोसेस पर बाउ टेकन होता था, जैसे आप कानपुर खरेख में जा, जिस जमाना में मैं कानपुर रख गया, तो वहां पर फिर से कसम खाओ अमतनार होते हुए बिना में यूसी में, अब जाओ वहां, तो रेक्टर आयल खरीफीर आयल और सब कोई बैठा, अब तुम्हें बताया जाता है कि तुम अमतनार हिले खरीफी पैसनील और आपको कसम खाए चाहिए यहाँ के बाद कहीं बाहर न जाए पाए और ऐसे वैसे सब कर करके हाँ वादा कर लो, तो वहां टेकन करो। उसका मतलब ये है कि अगर एक गलती आपने करेंगे तो रेक्टर आपको पुलिसी के हाथ में न करेगा, रेक्टर आपको शांत बोबा के आदमी बुलाएगा, ब्रेंग वैक्सलेट हम फाइव यार फिर यार। आज वो ना होवे है, तो असेंबली लीडर को न खाली कसम खाए चाहिए हाथ धर के इसे या हाथ उठा करके एक बोलो, नहीं वो दिखावे वाला चीज है, कागज पर टेकन करो और वो कागज प्रेजेंटेड करो संदान के जनता के कि फलाने टेकन करी से एक खा नो इट्स टेकन इन नेवन आंदस आंदस खा एक सलफ फॉर ट्वे या ना संत बोमा। हाँ समझे ना, तो ये बात जो मिनिस्टर्स लोग या का बोला असेंबली लीजन समूह की हिफ्त आने मन ऐसे ना है, इन सब को एक बाल एक फरबाल चाहिए टेकन करे के एच जो कसम खेलो ओके टेकन करियो ओमन सब सांसिस चाहिए
कि हम ई करते ई करते ऐसे ऐसे तो ओके चाहिए सन्नाम की जनता तक भेजने के लिए, तब कहीं कुछ कर लो। नहीं तो भैया तू जाने कितना कितना चीज भैया कितना पैसा कमा सकते एक मिनिस्टर का असेंबली रेट तू जान न पाइये, तू समझ न पाइये कैसे एक आदमी पर पैसा दे के चला गया। खैर छोड़ो बात, सरकार को चाहिए अपना कानून बनावे के, जब तक तू कानून न बनेगा आप ये मामला को रोक नहीं पाएंगे। आपको चाहिए प्रोसेस पर बात टेकन करके हर एक आमतनार लाख बेनवासाक भैया ब्रोन तो हमारे देखने में इनका विचार बड़ी अच्छा विचार है, जो तरीका से ब्रोन तो काम करे हैं हमें अच्छा लगे। और एक इज्जतदार लौंडा दिखा, इंसान दिखा, एक इज्जतदार मजहबी इंसान है, और हम ये ब्रोमटो में हम विश्वास रखेगा एक खलूफ इन मिनिस्टर ब्रोमटो, इन्हें पावर देवो आप लोग, इनके जब पावर आप देंगे इनको समझाओ कि एक एक वैट खोजे पुराना वैट वार आल आमतनार सोम मास्टर जितना है सब लोग को चाहिए एट ऑफ लेफ्ट करे के आल माल चाहे जो मिनिस्ट्री पर है, वो मिनिस्ट्री पर जहां 20 लेवे है मुद मिनिस्टर जरूर दराख द डायरेक्टर कि सब लोग के प्रवेश करे बिना साक में वहां पर कसम खाने के लिए। इसलिए बिना साक जब ये काम ठीक से करेगा तो हमारे देश के अमतनारे के जो समस्या है ये हल हो जाएगा। तो हमारे देख रहे भैया जी आप लोग ठीक रूप में काम करते रहो और अपना काम अच्छा से करो, और जो सरकार तुम्हें पैसा देवत है, सरकार तुम्हें पैसा दे करके सरकार के आप जो काम करते हो वो भी अच्छा से करो, और चोरी बेईमानी से दूर रहो। अगर समाज के काम करो तो दिल से करो, समाज के काम अगर करो तो दिल से करो। भाई जी बहुत तरह के बात रहता है बोलने के लिए, लेकिन मां से एक बात कह सकते हैं, यह कोरोना वायरस जो फैला जा रहा है इसका कारण जनता खुद है। जनता को हम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें बच के रहना चाहिए, इस मामला को सरकार के साथ मिलकर के सरकार के जो टीम बनल है प्रोटोकॉल और COVID-19 उनके साथ मिल करके और ये कोरोना वायरस को आप दूर करो, वरना अगर ये सन्नाम भर में फैल जाएगा और एक टोटल लॉकडाउन हो जाएगा तो आप अपने पैसा होते हुए सब कुछ होते हुए आप एक भिखारी का जिंदगी बसर करेंगे। याद रखिए पीसंग राजा वैखनमचे यारिकाबा से श्रीमान अविनाश डल्लू सौख के साथ ये सूचना देते हैं। एतवार यानी वारी के 3 तारीख 19 नई 3 साल के उम्र में श्रीमान अविनाश डल्लू के सारी श्रीमती रजनी डल्लू के बहन रोशेल और ईशाया के मौसी ओकरोदाम नंबर 78 वैखनारजई के रहने वाली कुमारी शस्मिता रवीना जगन की मृत्यु हुई है। अर्थी आने वाले शनिचर यानी वारी के 9 तारीख सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 12 बजे ओकरोदाम नंबर 78 वैखनारजई से अर्थी उठाई जाएगी। 1 बजे वैखनारजई पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। Het aantal personen dat besmet is geraakt met COVID-19 bedraagt dinsdag 93.
Dat is nog steeds een forse stijging vergeleken met zondag toen 50 personen het virus bleken te hebben. Ook is er weer een dode te betreuren, waardoor het totaal aantal overleden patiënten nu 125 is. Er zijn dinsdag overigens 442 tests uitgevoerd. 54 patiënten zijn genezen verklaard en het totaal aantal actieve gevallen bedraagt nu 514. 839 personen, niet positief getest, bevinden zich nog steeds in quarantaine. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 10 en 77 personen worden nog buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 222 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 6.586. Het is best wel mogelijk dat de 1172 kiezers die op 25 mei 2020 hun vertrouwen hebben gesteld op Sergio Akinboto zich bedrogen voelen met de abrupte beslissing van de met de voorkeur gekozen NDP-parlementariër om uit de Paarse Partij te stappen en zijn zetels in het parlement in te leveren. Hij heeft op basis van toezeggingen en beloftes getracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Brokopondo. Mede op basis daarvan denk ik dat het kiezersvolk zijn stem heeft uitgebracht op hem, zegt Ronnie Asambina, parlementariër tevens voorzitter van de BEP. Volgens de BEP-topman, die ook gekozen is in hetzelfde district, moet nu aan hetzelfde kiezersvolk gevraagd worden wat hij vindt van het besluit van Akinboto. Het is chaotisch geworden in de binnenstad. Je herkent de voorgevel van de markt bijna niet meer, zegt een burger tegenover de krant. En dan heb ik het niet over het verkeer, maar over de toestand langs de weg. De centrale markt is gesloten en verkopen de meeste standhouders voor de voorgevel en in de omgeving van de markt. Het is volgens enkele burgers niet verstandig. De mensen zitten dicht op elkaar en de COVID-maatregelen worden niet in acht genomen door ieder. De situatie gaat zorgen voor meer besmettingen en ongelukken. Het voetpad zit propvol en men is dan genoodzaakt om op het asfaltgedeelte te lopen. Het MIGLIS is aan verandering toe. Het programma van modernisering en automatisering zullen versneld moeten worden doorgevoerd. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi dinsdag 5 januari bij de beëdiging van Glenda Heikerk en Ganesh Kumar Kanhai tot respectievelijk directrice en hypotheekbewaarder bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem. Automatisering leidt, aldus de president ertoe, dat de burger beter, sneller en makkelijker bediend wordt, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot corruptieve handelingen worden verminderd. Vooral de snelheid moet volgens hem worden verbeterd. Santokhi heeft er alle vertrouwen in dat Heikerk en Kanhai deze functies deskundig en integer zullen uitoefenen. De voorzitter van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, vicepresident Ronnie Brunswijk, maakt in navolging van een op 27 oktober 2020 genomen besluit in de Onderraad dinsdag 5 januari bekend dat alle door de Stichting Staatsziekenfonds verstrekte basoverzekeringskaarten met een vervaldatum van 31 oktober 2020 stilzwijgend zijn verlengd voor de duur van 2 maanden en derhalve op 31 december 2020 van rechtswege zijn vervallen. Het gaat om de basoverzekeringskaarten welke houders hebben verkregen na indiening van een aanvraag daartoe bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en waarvoor de staat de premie voor de basiszorgverzekering betaalt. Een houder van een vervallen basoverzekeringskaart dient zich voor de aanvraag van een nieuwe kaart te melden bij SOSAFO. Nadere informatie kan worden verkregen via info.basiszorg@gmail.com en via de telefoonnummers 42 2708 of 882 1343 of 884 3291. In deze tijd waarbij iedereen wel iemand kent die het coronavirus heeft opgelopen, mag het een wonder heten dat uitgerekend onder de dak- en thuislozen het coronavirus geen grip heeft gehad. Eerder meldde het bureau dak- en thuislozen dit opmerkelijk feit al. Petrusi Majerin is verpleegkundige en verzorgt de dak- en thuislozen op straat. Zij zegt dat God over deze groep waakt. Als je naar hun situatie kijkt, dan zijn ze heel kwetsbaar.
Daarom dank ik de Heere dat geen van ze ziek is geweest. Al 2 jaren is Petrucci wekelijks op pad om voor de dak- en thuislozen te zorgen, op straat als vrijwilliger. Petrucci doet dit niet uit de losse pols. Met 30 jaar ervaring in de zorg bij PCS en het voormalige LPI weet ze waarover ze praat. In gesprek met Dagblad Suriname zegt een barbier, gevestigd te zuidelijk Paramaribo, dat het bijzonder moeilijk is om rond te komen. Het is niet mooi gegaan. December is een hoogtijperiode voor ons. Maar, anegoyere, a moeilijk nono de. Doordat alle activiteiten van december afgelast waren, hebben wij veel minder klanten. De mano bekong. De inkomsten zijn sterk verminderd. We zijn nu in een survival mode. Er is geen ruimte voor iets anders dan elementaire benodigdheden. Door de strengere lockdown heb ik zelfs in het weekend minder klanten. Januari zal zo te zien het heel moeilijk zijn. Na zoveel jaren werk moet ik weer inkomsten gaan zoeken om te overleven. Ik heb vaste lasten die betaald dienen te worden. Door de jaren heen heb ik langzamerhand een redelijk bestand kunnen opbouwen. Het wordt steeds moeilijker om te overleven, stelt hij. De BVL-ALS-voorzitter, Reshma Mangre, is het niet eens met de onderwijskundige Sunder Prasad Hanuman dat het curriculum van het onderwijs een aanpassing behoeft vanwege de effecten van de coronapandemie. Door deze pandemie is namelijk onder andere afstandonderwijs in het leven geroepen, iets dat zeer ongewoon is voor leraren en leerlingen. Het onderwijsministerie moet inderdaad nadenken over het aangepast programma met als uitgangspunt: wat moeten de leerlingen kennen en kunnen om het volgende schooljaar naadloos te kunnen volgen? Je kan alleen beginnen wanneer je een vertrekpunt hebt en ik mis dat vertrekpunt. Ze geeft aan dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden, wat dus betekent dat het onderwijsministerie haar huiswerk niet heeft gemaakt. Dit zijn essentiële zaken die voordat het schooljaar begint dient plaats te vinden. Dermatologen merken de laatste tijd dat regelmatig personen eczemen aan de handen oplopen. Handen wassen of handen ontsmetten is ondertussen in veel zaken een verplicht ritueel om het coronavirus zoveel mogelijk onschadelijk te maken. Een enorm voordeel voor deze nationale gezondheid. Toch blijken dermatologen tegenwoordig personen met huidirritaties te krijgen door het veelvuldig ontsmetten. De dermatoloog N. Chonkin Kim wijst op personen die eczemen hebben ontwikkeld, anderen hebben scheurtjes op de handen. Alcohol is een bestanddeel van veel handsanitizers en wordt sterk afgeraden om eczemen te behandelen. Mensen met eczemen hebben een overgevoelige huid. Alcohol en zeep worden dan afgeraden om uitbreiding van het eczeem te voorkomen. De grote vraag is hoe met deze situatie om te gaan. Het eerste advies is om het gebruik in geval van irritatie te minimaliseren. Het andere advies is om de handen zo goed mogelijk in te vetten. Paraffinevaseline raadt de dermatoloog aan, witte vaseline iets minder, tenzij de huid heel droog is.